आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कश्मीर में आतंकवाद पर प्रहार जारी, 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को किया ढेर। मुंबई दिल्ली फिर बना कोरोना का हॉटस्पॉट, राजधानी में आए 1313 नए मामले, वहीं मुंबई में 3671 नए संक्रमित मिले। शरद पवार का दावा, 2019 में पीएम मोदी चाहते थे एक साथ आए बीजेपी और एनसीपी। जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक आज, कपड़ों जूतों पर जीएसटी रेट बढ़ाने का फैसला, टलने पर चर्चा संभव। आज अयोध्या जाएंगे अमित शाह, रामलला और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। अलीगढ़ के ताला नगरी मैदान में गृह मंत्री अमित शाह की जन विश्वास सभा का कांग्रेस ने विरोध किया है और अमित शाह वापस जाओ के नारे लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों को लेकर भी मांग उठाई गई है और कहा है कि योगी सरकार में किसानों के हत्यारे गोद में बैठे हैं और जहां देश में कोरोना महामारी चल रही है उसकी भारी कीमत लोगों को अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह की ये रैली बहुत घातक साबित होगी, लोग संक्रमित हो सकते हैं, कांग्रेस अब इसका विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, हम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से उनसे अपनी मांग लेके जा रहे हैं कि आपके एक मंत्री टेनी ने, उसके पुत्र ने, उसके गुंडों ने आपके कहने से अपनी गाड़ियों से कुचल कुचल कर उन निरीह गरीब बेकसूर किसानों को मार दिया। एसआईटी जांच रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि आपके लड़के ने, आपके लड़के की गाड़ियों ने, आपके लड़के के गुंडों ने उसको कुचल के मारा है। उसके बावजूद भी ये सरकार, ये मैं तो कहूँगा संविधान विरोधी सरकार, इसने अभी तक अपने मंत्री को न तो उससे इस्तीफा लिया, न उसको बर्खास्त किया, न उसको आज तक इन्होंने जेल भेजा है। हमारी मांग है कि हमें शाहजी से मिलने दिया जाए। हमें शाहजी के पास हम अपनी इस मांग को लेके जा रहे हैं कि ऐसे हत्यारे जो किसानों की दिन दहाड़े हत्या करा देते हैं, वो लोग अब तक पद पर क्यों जमे हुए हैं। आप एक तरफ योगी जी, मोदी जी डंडा चलाने की बात करते हैं, बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, और एक तरफ जो हत्यारा आपने केंद्र में बैठा रखा है, गृह मंत्री के रूप में बैठा रखा है, राज्य मंत्री के रूप में बैठा रखा है, आज तक उसको पद से नहीं हटा रहे हो, बहुत ही शर्म की बात है। लखीमपुर खीरी से जहां विकास खंड मितौली में बाबू रामेश्वर दयाल महाविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बाबूराम सहरित ने शिरकत की और उनका स्वागत अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जुगल किशोर और कस्ता विधायक ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद जुगल किशोर ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि 2022 में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी ने लोगों में अपनी पैठ बनाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। हर मोर्चे के गठन पर उन्हें संगठन मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। इसी कड़ी में समाजवादी मजदूर सभा की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें तीन नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये तीनों नेता जुलूस के साथ नगर के सुपर मार्केट स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। वहीं सिराज बाली और अवधेश यादव ने भी पार्टी को मजबूत करने की बात कही। मजदूर सभा की कार्यकारिणी सभा का गठन किया गया है और सुल्तानपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पे
कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसमें तीन नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये तीनों नेता जुलूस के साथ नगर के सुपरमार्केट स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे और सिराज बाली और अवधेश यादव ने भी पार्टी को मजबूत करने की बात कही। जो है समाजवादी पार्टी का मजदूर सभा का प्रदेश सचिव बनाया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज? ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि प्रदेश अध्यक्ष जी हमको इस जिम्मेदार लायक समझे कि हमको इस पद से नवाजा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमको प्रदेश सचिव बनाया गया है और समाजवादी पार्टी के लिए हर तरह से हर तन मन धन से मैं काम करूंगा और समाजवादी पार्टी के साथ में कभी कमी नहीं आने वाली। 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, इस पर सुल्तानपुर में आप क्या भूमिका रहेगी? इसमें हमारी भूमिका तन मन धन से रहेगी, जो पार्टी अध्यक्ष जिसको टिकट देंगे उसके लिए हम लोग रातों दिन मेहनत करके। खबर रायबरेली से है जहां उचाहार में धान खरीद केंद्र पर एंटी करप्शन टीम ने छापेमारी के दौरान गोदाम प्रभारी किसान ने घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा किया है। रिश्वत लेने की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी की। छापा मारने से पहले टीम केंद्र के बाहर खड़ी रही, इसके बाद एक किसान गोदाम के अंदर गया जहां प्रभारी किसान से घूस के रुपए लेने लगा। उसी समय दरवाजे के पास पहले से तैनात एंटी करप्शन की टीम ने केंद्र प्रभारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। रंगे हाथों पकड़ने की यह खबर रायबरेली से सामने आ रही है जहां एंटी करप्शन टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। धान खरीद केंद्र पर छापा मारा गया है और व्यक्ति को घूस लेते हुए पकड़ा गया। प्रकरण इस संज्ञान में आ रहा है कि पीसीएफ के केंद्र प्रभारी जो कि उचाहार में हमारे धान क्रय समिति के केंद्र खोले गए हैं, वहाँ पर जो केंद्र प्रभारी थे उनके द्वारा कुछ धनराशि अवैध रूप से किसानों के द्वारा वसूले जाने पर टीम के द्वारा उनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। अभी संज्ञान में इतनी ही बात आई है, संज्ञान में आने के बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होंगी उसको हम करवाएंगे। वही अब खबर सिद्धार्थनगर से है जहां जिला मुख्यालय के सीएमओ ऑफिस परिसर में आशा बहुओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। इस दौरान इन आशा बहुओं और संगिनियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को सीएमओ और मीडिया के सामने रखा। इस धरने के दौरान कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अनिल सिंह ने आशा बहुओं और संगिनियों की समस्याओं को मीडिया के सामने रखा और कहा कि सरकार के मानदेय बढ़ाए जाने के बाद भी अभी तक आशाओं को उनका हक नहीं मिला है। वहीं इस मामले में सीएमओ एके सिंह ने कहा कि अभी बजट नहीं मिला था और अब बजट आ गया है। जो राज्य कर्मचारी परिषद से संबद्ध संगठन है उनके द्वारा अपना 8 सूत्रीय मांग पत्र है उसी को लेकर धरना किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017-18 में 750 रुपये आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाया, लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज 3 साल बीत गया लेकिन उनको नहीं मिला। दूसरी चीज़, जहां दिया भी जाता है वहां BCPM के द्वारा 2000 रुपये प्रति आशा से मांग किया जाता है। नंबर दो, जो ये प्रोत्साहन राशि अपना बाउचर जमा करती हैं, अगर इन्होंने 8000 रुपये का बाउचर जमा किया तो मात्र उनके खाते में 2 से 2500 दिया जाता है और उसके लिए भी BCPM के द्वारा सुविधा शुल्क माना जाता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर जहाँ CHO पोस्ट हैं, NM हैं, आशा बहु हैं, आशा संगनी हैं, उनको CHO को इन्होंने 1200 रुपये प्रति माह 2018 से दे दिया, लेकिन आज 3 साल बीतने वाला है लेकिन न तो आशा बहु को 1 रुपया दिया गया न आशा संगनी को दिया गया। इस तरह से 10 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का कहाँ गया कहीं कुछ आता पता नहीं चल रहा। नंबर 4, TB के मरीजों को जो प्रधानमंत्री जी का TB उन्मूलन कार्यक्रम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, TB के मरीजों को सरकार ने पौष्टिक भत्ते के लिए 500 रुपये प्रति माह की व्यवस्था की थी, लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन TB के मरीजों को भी स्वास्थ्य विभाग ने नहीं बख्शा और उनके भी बजट को दूसरे मद में स्थानांतरित करके। नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले कंप्यूटर टीचर जो गंगोत्री हिमालय से गंगा सागर की यात्रा साइकिल से कर रहे हैं, जिन्होंने खागा तहसील के कटोघन टोल प्लाजा पर रुककर एक चौपाल लगाकर बताया कि वो जगह जगह पर गंगा जल की शुद्धता की जांच करते हैं और चौपाल लगाकर युवाओं को गंगा को प्रदूषण मुक्त और साफ रखने के लिए जागरूक करते हैं। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए।
हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम अतुल कुमार चौकसे है। मैं नागपुर महाराष्ट्र का हूँ। पेशे से कंप्यूटर टीचर हूँ और साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट भी हूँ। मैं गंगोत्री हिमालय पर्वतमाला से आ रहा हूँ, जहाँ से हमारी गंगा नदी का उद्गम होता है। और मैं गंगा नदी के साथ साथ पूरा उत्तराखंड को पार किया और अभी उत्तर प्रदेश पहुँचा हूँ और कल तक इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम में पहुँच जाऊँगा। यहाँ तक लगभग मुझे 1450 किलोमीटर हो गए हैं और मैं इसके बाद बनारस, इलाहाबाद के बाद बनारस, फिर उसके बाद बिहार को पार करूँगा, झारखंड को पार करूँगा, वेस्ट बंगाल को पार करूँगा और गंगा सागर में मैं अपनी यात्रा की समाप्ति करूँगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये 150 किलो का लगेज है जो मेरा चलता फिरता घर है, जिसमें मेरा राशन, मेडिसिन, टेंट, सोलर पैनल लगा हुआ है और कुछ वैज्ञानिक उपकरण है। मैं गंगा जल की शुद्धता की भी जाँच कर रहा हूँ और लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा को प्रदूषण मुक्त रखे, उसे दूषित होने से बचाएं। और मेरा एक अभियान भी चल रहा है, एक पहल होश के लिए। बहुत बड़ी आबादी डिप्रेशन, निराशा में जीती है। कोई बोलता है हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम की आड़ में या तो अधिकतर लोग नशा करते हैं या आत्महत्या जैसे गलत कदम उठाते हैं। तो मैं लोगों को चौपाल लगा लगा के यही समझा रहा हूँ कि भैया अपने जीवन की अहमियत को समझिए। दुनिया में कोई चीज़ आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और दूसरा मैसेज यही दे रहा हूँ कि हमारी राष्ट्रीय नदी हमारी माँ को। मथुरा में बलदेव रोड स्थित मदन मोहन कलावती सराफ सरस्वती विद्या मंदिर में 3 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रतिभाग करने वाले स्काउट गाइड छात्र छात्राओं को परिस्थितियों से लड़ने के तरीके बताए गए। रमेश शर्मा ने कहा कि स्काउट गाइड शिविर से छात्रों को अनुशासित बनाने के साथ ही उनमें अच्छे आचरण का निर्माण होता है। मदन मोहन कलावती सरस्वती विद्या मंदिर में 3 दिवसीय स्काउट एंड गाइड शिविर लगाया गया। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बच्चों ने इसमें भाग लिया। उनके मार्गदर्शक के रूप में श्री कन्हैया शर्मा जी, जिला स्काउट मास्टर, एवं श्री रमेश शर्मा, जिला शिक्षण आयुक्त मौजूद रहे। बच्चों ने इसमें अपने राष्ट्रभक्ति से संबंधित एक दूसरे का सहयोग कैसे करें, एक अनुशासित कैसे रहा जा सकता है। सहारनपुर में थाना जनकपुरी इलाके के जेल चुंगी के पास ढमोल्ला नदी में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला। मृतक की पहचान देवबंद के रहने वाले राजकुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक देवबंद कचहरी परिसर में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत था और कई दिनों से लापता था। नरेश जी, जो राजकुमार जी की बॉडी मिली है, कब से लापता थे और कहां पर कार्यरत थे? 23 तारीख को 2 बजे तक ड्यूटी करी उन्होंने। अच्छा, कहां पर काम करते थे? क्या सरकारी एम्प्लॉय थे? हां जी। अच्छा, क्या कुछ दिख रहा है प्रथम दृष्टि, क्या देखने में प्रतीत हो रहा है? ऐसा बॉडी निकाली आप लोगों ने? किसी के साथ कोई रंजिश चल रही थी? देवबंद में रेलवे स्टेशन पर पहुंची, रेलवे में थे? वही अब खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मुखबिर की सूचना पर 3 संदिग्ध व्यक्तियों को 2 प्लास्टिक की सफेद बोरी के साथ गिरफ्तार किया गया है और पुलिस की आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। रायबरेली में चोरों का एक बड़ा गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से अवैध असलाह समेत 2 4-पहिया वाहन और चोरी का सामान बरामद किया है। गैंग में से एक सदस्य का नाम अख्तर हुसैन बताया जा रहा है, जिसने जिले के कई थाना इलाकों में चोरी की वारदात कबूल की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि लालगंज इलाके में चोरों का एक बड़ा गैंग किसी बड़ी वारदात की नीयत से सक्रिय है। पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने कब्जे से एक ट्रक और कार को बरामद किया है। बारह 2021 को थाना लालगंज के प्रभारी अपने क्षेत्र में भ्रमर सिंह से द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग
चोरी करने के लिए से घूम रहे हैं, जिसके विश्वास करके इन लोगों द्वारा उस जगह पर छापा डाला गया। तो 8 आदमी जिस गैंग का मुख्य सरगना अख्तर हुसैन है, उसके साथ अन्य राजकुमार वगैरह थे जो पकड़े गए। इनको पकड़ने पर इनकी जमा तलाशी ली गई तो कठिन की गिरफ्तार, चोरी के कुछ सामान बरामद हुआ। पूछताछ पर इन लोगों ने बताया कि मैं शहर में 2 जगह चोरी किए हैं और कटिंग के तार मिले हैं। पूर्व का इनका इतिहास रहा है कि थाना खीरो, मिलेरिया, गुरबकसगंज, सदर कोतवाली, सलोन में भी इन लोगों ने चोरी किया है। इसके अतिरिक्त उन्नाव और कानपुर नगर में भी इनके द्वारा चोरी किया गया है। लालगंज में भी 2 चोरियां इन्होंने कस्बे में किया था, उसका भी खुलासा हो। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।